आज मैं आपको एक डिजाइनर ट्राउजर सिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत लगता है और आजकल तो इतना ट्रेंड में है इवन इसके स्लीव्स आ रहे हैं इसके Uh, जो है वो ट्राउजर्स बनाए जा रहे हैं गला बनाया जा रहा है तो मैं आज आपको ट्राउज़र बताऊँगी क्योंकि ट्राउज़र बहुत इन हो रहा है ये मैंने डबल कपड़ा रखा हुआ है और मैं अब ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ ट्राउज़र की कटिंग मैंने बहुत लाइट से दिखाई है इसलिए क्योंकि ऑलरेडी uh, हमारी काफ़ी वीडियोस में आपको बहुत ईजी वे में पता चल जाएगा कि कटिंग कैसे करते हैं ट्राउज़र की और हम uh, इसको आपको अलग से भी एक वीडियो बना के दिखा देंगे अब जो बुकरम है ये मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मेरी बुकरम थोड़ी सी टेढ़ी थी साइड से तो मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक पीस चाहिए ये मैं तकरीन आ, जो है पहले मैं देख लूँगी कि मुझे तकरीबन फोर टू फाइव सेंटीमीटर का मैं इसकी चौड़ाई रखूंगी ठीक है जितनी आप रखना चाहते हैं ज़्यादा बड़े बॉक्स बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ी रख लें लेकिन इतना ऑलमोस्ट होता है कि फोर सेंटीमीटर टू फाइव सेंटीमीटर होता है ये लेने के बाद आपने इस पर बिल्कुल एक डिज़ाइनिंग जो है वो बना लेनी है ठीक है आप इसके ऊपर छोटे छोटे पहाड़ डिज़ाइन बना लें अब क्योंकि मैं तो वाइट ट्राउज़र बना रही हूँ तो मैं वाइट कपड़े के ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक सिंपल ट्राउज़र चाहिए आप चाहे तो आपका अगर रेड है कोई इस तरह का कपड़ा है जिसमें गोल्डन कलर है सिल्वर कलर है तो आप ये चीज़ सिल्वर या गोल्डन कलर का कपड़ा लेके भी बना सकते हैं आपकी आ, अपनी चॉइस है कि आप किस तरह का बनाना चाहते हैं तो आपने इसको अच्छे से काट लिया है ये हमारा जो है वो बुकरम रेडी हो चुका है अब आपने कोई कपड़ा ले लेना है ठीक है जिसकी तकरीबन जो दोनों साइडों से बंद हो जाए ठीक है इसको ऊपर रख के इसको आपने प्रेस करना है प्रेस अच्छे से करें ताकि ये स्टिक हो जाए उसके बाद फ्रेंड्स हमने इस कपड़े को बंद करके इसकी दोबारा इसको प्रेस करना है ताकि ये हमारे पास एक बंद कपड़े के बीच में एक फॉर्म में आ जाए अब मैं कपड़े को बंद करके इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि ये चिपक जाए बिल्कुल आपस में ये फ्रेंड्स तकरीबन हो गया है अब हमने क्या करना है हमने ऊपर से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है आपने इसको सी लेना है बहुत ही आराम से सीएगा जो है तहमल से सीएगा क्योंकि अगर ये आपकी स्टिचिंग इसमें यहाँ पे आपकी सिलाई अगर ख़राब हो गई तो इसको खोलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके बाद हम सिलाई से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के हम इसको काट लेंगे ऊपर से ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह काट रही हूँ बहुत ईजी है इवन हमारे चैनल पर आपको बहुत ईज़िली वीडियोज़ मिलेंगी तो बहुत इजी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप बहुत इजीली स्टिचिंग सीख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कट्स इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसको खोलना जो है वो आसान हो क्योंकि अभी हम इसको जब कपड़े को मोड़ेंगे तो आपको ये इसकी असल सही जो लुक है वो नज़र आएगी इस तरह करके आपने इसको ओपन कर लेना है आप चाहे तो सीज़र लेके इसको आप दबाएंगे तो इसका जो सही फ़ेस है वो बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स आजकल ये बहुत फैशन में इन है मैंने सीज़र के जरिए इसको मैं दबा के इसका सही शेप जो है वो आपको दिखाऊंगी अब आपने इसको प्रेस कर लेना है प्रेस करने के बाद इसे डबल फोल्ड कीजिए और इसको स्टिच कर लीजिए फ्रेंड्स आपने ये दो स्ट्रिप्स बनानी है ठीक है और आ, कोशिश करें पहले बड़ी बना लें क्योंकि बाद में हो सकता है आपको कटिंग वगैरह के थ्रू मतलब ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए मैंने बड़ी बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा चौड़ा पंचा रखना है अब मैं पैनचा पहले थोड़ा सा चौड़ा रखिएगा तो क्योंकि मैंने इसके साथ पट्टी लगानी है इसको आप पहले स्टिच कर लीजिए ट्राउज़र में ऑलमोस्ट स्टिच कर चुकी हूँ सिर्फ जो है वो दरमियान की सिलाई रह गई है तो पहले मैं ये अटैच कर लूँगी उसके बाद मैं अपनी ट्राउज़र की स्टिचिंग को कम्प्लीट कर लूँगी अब आपने ये बैक साइड पे लगाना है पैंचे के ठीक है अक्सर लोग ऊपर भी लगाते हैं लेकिन मैंने देखा है कि जो डिज़ाइनर ट्राउज़र्स हैं उनमें उन्होंने बैक पे लगाया हुआ है आप चाहे तो इसकी शेप बड़ी भी कर सकते हैं चाहे तो इतनी रख सकते हैं जितनी मैंने रखी है ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है इसी तरह फ्रेंड्स आप दूसरा पैंचा भी स्टिच करके उसके बाद ये आप इसके साथ स्टिच कर लेंगे ये बिल्कुल सामने से फ्रंट की सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ बैक से नहीं कर रहे हम फ्रंट से कर रहे हैं ये देखें फ्रेंड्स ये रेडी हो गया दोनों पंचे मैंने सिलाई कर लिए हैं अब मैं इसको दरमियान से बंद कर दूंगी, ठीक है आपने जितना पेंचे रखना है आप रख लें बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो आप खोल भी सकते हैं तो थोड़ा सा खुला रखा करें पेंचे हमेशा अब मैं तरह कट्स लगा लूँगी और ये आपका पंचा हो गया तैयार मैंने थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो इसकी चढ़ाई रखी है आप चाहे तो छोटी रखें चाहे तो जैसी मर्जी रखें आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग